हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो उसकी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम इस वीडियो में देखते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में भी दे रखा है विद डायग्राम और इंग्लिश में भी दे रखा है। तो दोनों क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, यहाँ पर कुछ लिखा है, जरा आप देखें कि एंगल पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर। एंगल पी क्यू आर कहाँ है? एंगल पी क्यू आर देखो, ये पी क्यू ये है एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये मैं निशान बना दिया। तो एंगल पी क्यू आर, इसका नाम अभी के लिए मैं वन रख लेता हूँ, एंगल वन। ये किसके इक्वल है? एंगल पी आर क्यू, कहाँ है पी आर क्यू? देखिए पी आर और क्यू, ये वाला जो एंगल है ये पी आर क्यू है, इसका नाम टू रख लेता हूँ। तो एंगल पी आर क्यू जो है वो एंगल टू के बराबर। अब क्वेश्चन में जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर दे रखा है। पी क्यू आर की जगह तो एंगल वन रख लेते हैं और पी आर क्यू की जगह एंगल टू रख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। ठीक हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस जो है पी आर टी के बराबर है। कहाँ है पी क्यू एस? अब मैं इस डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। देखो ये जो एंगल है इसका नाम मैं वन रख चुका हूँ, ये वाला जो एंगल है इसका नाम मैं टू रख चुका हूँ। तो अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, जरा वो देख लेते हैं। पी क्यू एस जो है वो पी आर टी के बराबर है। पी क्यू एस ये वाला एंगल जो है पी आर टी के बराबर है। ये है पी, ये आर और ये टी। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये बराबर है, हमें प्रूव करना है। तो इसका नाम मैं टू रख लेता हूँ, इसका नाम थ्री, इसका नाम थ्री रख लेता हूँ, इसका नाम फोर। यहां पर भी दिखा देता हूँ, ये एंगल थ्री रख लेता हूँ और ये एंगल क्या रख लेता हूँ, फोर। ठीक हो गया। चलिए अब क्या चीज आपको यहाँ पर लगानी है, किस चीज का यूज करना है? आपको पता है कि ये जो एक रेखा है, एक लाइन है, इसके ऊपर एक दूसरी लाइन हमने बना दी, तो इस चक्कर से यहाँ पर आपके पास दो एंगल्स बनकर तैयार हो गए। एक का नाम मैंने एक्स रख लिया, एक का नाम मैंने वाई रख लिया। तो किसी लाइन के ऊपर जब दो एंगल्स बनते हैं तो उन दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। और इसके लिए हम जो रीजन देते हैं इंग्लिश में वो तो होता है लीनियर पेयर, और हिंदी में हम कह देते हैं रैखिक युग्म। तो अब आप यह देखें कि यहां पर भी ऐसे ही करेंगे। देखो ये एक लाइन दिख रही है, एस क्या लाइन है, एस क्यू आर है ना। तो ये जो एस क्यू आर लाइन दिख रही है आपको, इस एस क्यू आर लाइन के ऊपर ये देखो ये दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो एंगल वन बन रहा है, एक एंगल थ्री बन रहा है। इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर लिखेंगे आप? 180 के। रीजन आपको लिखना है इंग्लिश में लीनियर पेयर, और हिंदी में आप क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। पहली चीज, इस डायग्राम को मैं नीचे बना के दिखा देता हूँ फिर से। ये है हमारे पास, ये है एस, ये क्यू, ये आर और ये टी। ये एंगल थ्री है, ये एंगल वन है, ये टू और ये। अब देखिए ये भी तो एक लाइन है, ये देखो क्यू आर टी। तो इसके ऊपर कौन से दो कोण बन रहे हैं? यही तो दो एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो एंगल टू बन रहा है, एक एंगल फोर बन रहा है। तो आप लिखोगे एंगल टू प्लस एंगल फोर किसके बराबर होगा? 180। और रीजन आपको दिखना है लीनियर पेयर, और हिंदी में हम कहते हैं रैखिक युग्म। ठीक हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, आप देखें कि एंगल वन प्लस एंगल थ्री जो है 180 के बराबर है, एंगल टू प्लस एंगल फोर ये भी 180 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल वन प्लस एंगल थ्री है पूरा का पूरा इक्वल होगा एंगल टू प्लस एंगल फोर। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल टू प्लस एंगल फोर इक्वल होगा एंगल वन प्लस एंगल थ्री।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब ऊपर हमें पहले से कुछ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था ये जरा देखो, मैंने कहा था ना इसका यूज होगा। एंगल वन किसके बराबर है? एंगल टू के। एंगल वन जो है ये किसके बराबर है? ये एंगल टू के बराबर है। तो इसका अंदर ये दोनों के दोनों कट जाएंगे यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास? यहाँ से एंगल फोर बचा और यहाँ से एंगल थ्री बचा। एंगल फोर एंगल थ्री के बराबर हो गया। और यही चीज हमें इस क्वेश्चन में भी प्रूफ करनी थी। ठीक है, ये देखो एंगल पी क्यू एस का नाम हमने क्या रख लिया था? पी क्यू एस का नाम थ्री रख लिया था और पी आर टी का नाम क्या रख लिया था? फोर रख लिया था। तो हमने एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।